कैप्टन रोहेल नज़ीर की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से आज पीसीबी ने एक बड़ा फैसला किया है कि इंग्लैंड के दौरे में रोहेल नज़ीर को शामिल किया जाए अस्सलाम वालेकुम एक नई वीडियो के साथ खुश आमदी आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौशीन एस्पी पीसीबी ने रोहेल नज़ीर के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि इनको इंग्लैंड के दौरे में भे भेजा जाए इनकी सफर का आगाज कैसे हुआ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे उनका नाम भी रोशन करें और पाकिस्तान टीम में भी जाए रोहेल नजीर पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले हैं इनके वालिद पाकिस्तान नेवी में थे इनके बड़े भाई ताहिर नजीर जो कि टेनिस प्लेयर हैं इनकी इंस्पिरेशन रहे क्रिकेट का जुनून की हद तक का शौक और फैमिली सपोर्ट ने इनको क्लब ज्वाइन करवाया उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि अंडर 19 में इन्होंने कैप्टनसी भी की है वीडियो को मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद मालूम आपको इस वीडियो से हासिल हो सके कहते हैं कि अगर किसी चीज का शौक या लगन हो तो आपको मंजिल जरूर मिलती है रोहेल नजीर का भी यही शौक रहा अपने बचपन से की मैं क्रिकेटर बनूंगा और ग्राउंड में खेलूंगा अंडर नाइनटीन की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इनको मुल्तान सुल्तान में मौका मिला खेलने का रोहेल नज़ीर ने अपनी जिंदगी में जिसको आइडलाइज़ किया था वो एंडी फ्लार थे और इनकी खुश नसीबी थी कि मुल्तान सुल्तान के जो हेड कोच थे वो भी एंडी फ्लार थे मुल्तान सुल्तान के हेड कोच एंडी फ्लार ने रोहेल नज़ीर को बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया कि इनकी परफॉर्मेंस ने इनको इस काबिल बना दिया कि आज दौरा इंग्लैंड में इनको शामिल किया जा रहा है ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि वर्क हार्ट आपको इस मंजिल तक पहुंचाता है हर कामयाब इंसान के पीछे मुशक्क़त ज़रूरी होती है और फ्यूचर स्टार भी बनता भी वही है जो अपनी मेहनत और अपनी कारकरी से आगे आता है गली से ग्राउंड तक की परफॉर्मेंस के पीछे रोहेल नजीर की बहुत मेहनत शामिल है इन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी फैक्ट्री में भी जॉब की थी के पास इतने पैसे हों कि अपने घर के खर्चों के साथ साथ अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें रोहेल नजीर को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि पीसीबी की तरफ से दौरे इंग्लैंड में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने का बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अंडर 19 के वर्ल्ड कप को जितवाया इस वक्त पीसीबी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है दुआ है कि अल्लाह ताला इनको फतह नसीब करे और कामयाबी के साथ अपने वतन को वापस आए आप कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि रोहेल नज़ीर और हैदर अली में से कौन ज्यादा बेहतर है जिसको हम दौरे इंग्लैंड के लिए बेहतर समझेंगे वीडियो को मुकम्मल सुनने का शुक्रिया वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें कमेंट बार में अपने कमेंट का इजहार ख्याल जरूर करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए हर दफा की तरह पाकिस्तान को हमारी सपोर्ट की जरूरत है और हमारी दुआओं की भी जरूरत है फैंस को काफी मिस करेंगे और हम काफी इंजॉय करते हैं इंग्लैंड टूर में फैंस काफी सपोर्ट करते हैं काफी चेयरअप करते हैं